नॉर्मली घर में हर किसी के चावल बनते हैं और चावल थोड़े बहुत बच भी जाते हैं, तो उन बचे हुए चावल का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया तवा पुलाव घर में बन सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं कि आसान तरीके से बचे हुए चावल का इस्तेमाल करके घर में हम तवा पुलाव कैसे बना सकते हैं। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 4 चम्मच बटर डाला है और बटर को यहाँ पर हमें चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो बटर यहाँ पर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और जीरे को हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो जीरा यहाँ पर हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़े साइज की कटी हुई प्याज और दोनों को हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो प्याज है इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। प्याज यहाँ पर हमारी अच्छे से भून गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी बारीक कटी हुई गाजर, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप फ्रेश मटर, आप चाहे तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इन सब्जियों को चलाते हुए अच्छे से पकाना है। तो इन सारी सब्जियों को हम लगातार चलाते रहेंगे और चलाते हुए ही पकाएंगे। तो सब्जियां यहाँ पर हमारी पक गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर और इसके साथ ही हम डालेंगे 3 चम्मच पाव भाजी मसाला। मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और मिर्च डालने के बाद हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मसालों में मिलाना है। और मिलाने के बाद टमाटर को करना है हमें हाफ फ्राई, तो हम लगातार चलाते हुए टमाटर को हाफ फ्राई करेंगे। टमाटर यहाँ पर हमारा हाफ फ्राई हो गया है और ये जो मसाला है हमारा अच्छे से बनके हो गया है तैयार। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 कप पके हुए चावल। तो यहाँ पर ये जो चावल है मेरे रात के बच गए थे तो उनका मैंने इस्तेमाल किया है। आप फ्रेश चावल बनाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चावल डालने के बाद ये डाला मैंने 1 चम्मच नमक, खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब हमें इन सारी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम इनको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि जो चावल है चावल में सारे मसाले का फ्लेवर अच्छे से ना आ जाए। तो यहाँ पर ये जो चावल है हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं इनका कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो अभी हम कर देंगे गैस को बंद और चलिए तवा पुलाव को कर लेते हैं हम गरम गरम सर्व। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर रखा है वेज रायता और रायते के साथ रखी है थोड़ी सी कटी हुई प्याज। दोस्तों ये हो गया है हमारा तवा पुलाव खाने के लिए तैयार। इस तवा पुलाव को आप गरम गरम एंजॉय कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई करें और अपना एक कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करें। जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।